टू माई चैनल शशि सर की क्लास। हम आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश कैसे बोलें ये भी सिखाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी से बात करते हैं हिंदी में तो बीच बीच में कोई मुहावरा या फिर इडम फ्रेज इस तरह से इस्तेमाल करता है, जैसे जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इसका कोई ग्रामर का रूल नहीं होता है। तो हम आज आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाले हैं इडम फ्रेज जो कि आपको डेली यूज होता है, ठीक है। और आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका कोई ग्रामर रूल्स नहीं है। इसको याद कीजिएगा, इसको समझिएगा और अपने डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और वर्ड्स को सीखते हैं। पहला वर्ड है अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक हाथ से ताली नहीं बजते, इट टेक्स टू और मेक अ क्वारल। ये ऐसे वर्ड है जो आप डेली लाइफ में आप सुना होगा या आप इस्तेमाल भी करते होंगे। कर भला हो भला, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। कल किसने देखा, टुमारो नेवर कॉम्स। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जैसे करनी वैसे भरनी, एज यू शो सो यू विल रीप। जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। दाल में जरूर काला है, देयर इज समथिंग ब्लैक। न घर का न घाट का, नीदर फेस इन और फॉल। नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। बिना सेवा मेवा नहीं मिलता है, नो पेन नो गेन। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, परसेवरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल। प्राण बचे लाखों पाए, लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड। बकरी की माँ कब तक है मनाएगी, हाउ लॉन्ग विल द मदर्स प्रेयर्स अवेल टू सी हर किड। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह नल, कई बार आपने सुना होगा, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, द यंगर इज इवन वर्स देन द एल्डर। खाली दिमाग शैतान का घर, एन आइडल ब्रेन इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल। बाती गंगा में हाथ धोना, मेक हे While the sun shines। हर हाल में, in every condition, किसी भी कीमत पर, at any cost। पलक झपकते, in the blink of eye, बहुत जल्द, in no time। सुबह से लेकर शाम तक, from dawn to dusk। सिर से पैर तक, from toe to tip। हर वक्त, round the clock। के वास्ते, for the sake of। सुख दुख में, in will and वो। औकात से ज्यादा, आउट ऑफ लाइन। दिन दहाड़े इन ब्रॉड डे लाइट। अस्त व्यस्त हालत में, एट सिक्सेज एंड सेवेंस। के संदर्भ में, विथ रेफरेंस टू। आज के लिए बस 30 वर्ड आपको इस वर्ड को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपने सेंटेंसेस जो आप डेली बेसिस पर बोलते हैं उसमें ये सब सारे सेंटेंसेस को आप इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और प्लीज यह वीडियो जो है वो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर ही वाले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर भी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।